उसमें पीछे नहीं हट पाता। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? कैसे बचेगा भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से? जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना? भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली मिसाइलें हैं। मिसाइलों में पाकिस्तान के पास करीब 86 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास मिसाइलों में 56 परमाणु बम हैं। मारक क्षमता 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक की है, यानी इनसे हमला हुआ तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं, कोई बात नहीं। लोगों को एजुकेशन न मिले, कोई बात नहीं। लोगों को खाने को न मिले, कोई बात नहीं। लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान इज्जत हो जाए, जलील हो जाए, कोई बात नहीं। परमाणु जखीरों को बढ़ाने में जुटा पाकिस्तान काफी तेजी से नई न्यूक्लियर साइट तैयार कर रहा है। उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो काफी विकसित हैं और सैकड़ों, उन्होंने 100 से ज्यादा उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। ये करना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी एकजुट होकर इंडिया के खिलाफ काम न कर सके। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। जिस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे को इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर देंगे। नदीर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान लाइव के मोजिस नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हाथ ये खतरनाक हथियार कैसे लगे? 23 मार्च की तकरीब में पाकिस्तान की ताकत का मुजाहिरा देखकर पूरी दुनिया, खास तौर पर भारत, हक्का बक्का रह गया और भारतीय मीडिया की तो चीखें निकल गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक कहने लगा और हैरान परेशान रह गया कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कैसे आई। अब तो हमारी खैर नहीं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे फैला खौफ देखें और हंसें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से